नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। इस वीडियो में बात करेंगे रेवाड़ी शहर की। तो रेवाड़ी के देखिए जितने भी कोरोना केस है सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए रेवाड़ी में इतने ख़राब हालात के कारण ये हैं। देखिए कोरोना के रेवाड़ी के अंदर जो केस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह भी हमने आपको बताया था कि मौत का आंकड़ा रेवाड़ी के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है ऑक्सीजन की कमी, दूसरा लोगों की लापरवाही और तीसरा कोई सख्ताई अभी से ज़्यादा नहीं की गई। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले देखिए खबर क्या है। ऑक्सीजन की कमी थी लेकिन वो सरकार ने कह के मतलब काफ़ी हद तक पूरी करा दी है। अब दूसरी देखिए लोग हैं जो अभी भी ज़्यादा डर नहीं रहे, ना मास्क लगा रहे। और आपको मैं बता दूं कि तीसरी जो एक और खबर है ये है कि जो कहा गया है कि 6 बजे के बाद लॉकडाउन लगाने का, तो देखिए बाज़ार तो पुलिस बंद करवा देती है और जो आसपास के एरिया वो भी करा देती है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे ज़्यादातर जो जैसे छोटे छोटी जगह है, जैसे कई मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी छोटी जगह है जहाँ पर मान लो 150 घर है, वहाँ पर जो दुकानें होती है परचून वगैरह की वो खुली रहती है। क्या करते हैं लोग कि दुकान को बंद कर लेते और बाहर खड़े हो जाते, कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको सामान उठा के दे देते। मतलब किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना कोई मास्क लगा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो आप सभी को पता ही है कि क्या हो रहा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। तो देखिए अब आप बताइए कि कोरोना कैसे रुकेगा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 138 कल पॉजिटिव केस मिले थे जो मैंने सुबह भी बताया, उसमें 13 विद्यार्थी भी शामिल थे। 679 लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहा गया है कि 679 ने पहली डोज लगवाई थी और उसके बाद अब 424 लोगों ने दूसरी डोज भी लगाई है। ठीक है, ये है जो पहले विभाग ने बताया था। और टोटल मैं आपको बता दूँ तो टोटल 141,432 लोगों को डोज लगाई जा चुकी है रेवाड़ी के अंदर। और प्रशासन का भी लगातार ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाए। तो देखिए ये भी एक मतलब बहुत अच्छी बात है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि एक दिन में जो बुधवार को 679 लोगों ने पहली और 424 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई और टोटल 141,432 लोग डोज लगवा चुके हैं। दूसरा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि लोगों के अंदर जो लापरवाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आधे लोग तो ये सोच रहे हैं कि कुछ होगा या होगा को नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस बाहर जाना है, ना कोई लॉकडाउन का पालन। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि कंटेनमेंट जोन, या फिर हम कह सकते हैं जो जहाँ पर सख्ताई थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, सेक्टर 3 व सेक्टर 4 धारवाड़ा शहर के विपुल गार्डन व सेक्टर 6 को मैक्रो कंटेनमेंट जोन भी हम कह सकते हैं वो बनाए गए, उनमें सख्ताई काफ़ी बरतनी पड़ेगी। और वहाँ पर ये कह दिया है कि जो मतलब आवश्यक चीज़ें उनके लिए नंबर दे दिए लोगों को, इन नंबर पर आप कह सकते हैं, और वहाँ पर सख्ताई काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो वहाँ पर लोगों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही है लोगों के लिए वो, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों का निकलना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि केस वहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद जो आज की मैं दूसरी खबर आपको बता देता हूँ कि देखिए कोरोना के हालात में सब लोग क्या सोच रहे हैं, बस हम बच जाएं या हम अपने परिवार को बचा लें, लेकिन दूसरों के बारे में मुझे नहीं पता कि कोई सोच रहा है। और जमाखोरी इतना चल रही है, ऑक्सीजन की कमी का कारण, दवाइयों की कमी का कारण, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एम्बुलेंस मतलब सब लोगों ने लूट मचा रखी, किसी को किसी की परवाह नहीं है, सब लोगों को बस रुपए से मतलब है। रेमडेसिविर की दवाई का आपको पता है कि चोरी कितनी बार हो चुकी है, दवाई एम्बुलेंस वाले लोगों को कितना लूट रहे हैं, मतलब हर तरीके से लूट मचा रखी है, लोगों की परेशानियों को कोई समझ नहीं रहा। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन कि आप जितनी मदद कर सके अपनी ओर से ज़रूर करें। और देखिए ये व्यक्ति जो दूसरा है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये व्यक्ति है शहर के जो नई बस्ती है शहर में अपने, वहाँ पर एक ये समाज सेवी व्यक्ति है जिसका नाम है संजय शर्मा। ये लोगों को कोरोना से बचाने के लिए देखिए क्या करते हैं, जिनको कोरोना है उनके घर जाके सैनिटाइज करते हैं, और रेवाड़ी स्थित एक गुरुद्वारे को भी सैनिटाइज करते हुए आपको ये दिख रहे हैं फोटो के अंदर। और ये जो जहाँ पे मान लो जैसे कंटेनमेंट सॉरी वहाँ जहाँ पर जिसके जैसे कोरोना है किसी घर के, तो वहाँ के आसपास सैनिटाइज करेगा, गली को सैनिटाइज करेगा। मतलब ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी हद तक अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है लोगों के लिए, और ये लोगों से यही अपील कर रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। तो देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन यही था, एक तो कि पूरे रेवाड़ी में क्या हो रहा है वो आपको बताने के लिए, और जो ये व्यक्ति है इसको देखकर आप भी लोग जितनी भी हेल्प, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही करो, पर आप अगर थोड़ी बहुत हेल्प जितने भी कर सकते हो जरूर कीजिए, ठीक है। तो रेवाड़ी की जितनी भी बड़ी खबरें वो आपको रोजाना 11 बजे हम मिल जाती है, और कोई बड़ी खबरें होंगी तो वो हम आपको शाम को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।